खबर उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद से है, जहां सुबह 168 सिपाहियों की पासिंग आउट परेड के साथ इटावा पुलिस के साथ जुड़ गई। इटावा की पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पर सजावट के साथ तैयारियां की गईं। परेड ग्राउंड पर बेहद अनुशासित तरीके से परेड का प्रदर्शन किया गया और जिले के कप्तान ब्रजेश कुमार सिंह को सलामी दी गई। एसएसपी ब्रजेश कुमार सिंह ने सभी 168 रिक्रूटमेंट को शपथ दिलाई और बाद में प्रस्तुति पत्र दिए। इस दौरान रिक्रूटमेंटों में गजब का उत्साह देखने को मिला। देखिए 168 हमारे यहाँ रिक्रूट आरक्षी थे, जिनको इंडोर आउटडोर सभी में ट्रेन किया गया और इसमें हमारे जो नोडल है एसपी लाइन ज्ञानेन जी और जो भी आईटीआई पीटीआई की टीम थी, जो हमारे आरटीआई के प्रभारी शर्मा जी, सभी लोगों ने बड़ी लगन और मेहनत के साथ इस टीम को तैयार किया। आज हमारे 168 रिक्रूट जो थे वो आरक्षी के रूप में अब जनपद में उनकी 6 महीने की जो जनपद ट्रेनिंग होती है अब उसके लिए आज से प्रारंभ करेंगे और मैं इन पूरे रिक्रूट आरक्षियों को और जो भी इनको तैयार किया पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और आप जैसा कि आज परेड देखे, निश्चित तौर पे उन्हीं के मेहनत का परिणाम है कि आज सभी प्रशिक्षु आरक्षी बहुत ही मेहनत के साथ पूरी परेड किए। मैं इसके लिए भी शुभकामना देता हूं कि भविष्य में भी इसी प्रकार से तन मन से पूरी सेवा करेंगे, प्रदेश की प्रदेश के पुलिस बल की मान और सम्मान में लगातार अपनी मेहनत से कार्य करेंगे। यही मेरी शुभकामना है।